नमस्कार दोस्तों, यूपीआई में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 18 जुलाई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण डीएनए के बारे में। आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि मैं रोज कहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई भी महत्वपूर्ण सुझाव देना हो तो आप सुझाव देने के लिए स्वतंत्र हैं। व्हाट्सअप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया होता है, आप उस पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट संस्थान से आप जुड़ जाएंगे। दूसरा न्यूज़ ये देना था कि जिनका लोअर पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई हुए हैं या अभी जो रिसेंटली जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, बिहार पीसीएस का भी रिजल्ट आया, मेंस का रिजल्ट आया है, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको संस्थान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इंटरव्यू अच्छे से क्रैक आप लोग करें। जो लोग मेंस क्वालिफाई किए हैं बिहार का, यूपी पीसीएस में भी इंटरव्यू चल रहा है 2018 बैच का, और आपका लोअर का मेंस प्रीलिम्स जिन्होंने दिया उनको मेंस देना है क्योंकि उसमें इंटरव्यू है नहीं, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोग के पास। मेंस पे अपना फोकस कीजिए क्योंकि प्रीलिम्स का ही सारा सिलेबस मेंस में भी है आप लोग का। बस जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है समझिए कि 70% उनके चांसेज हैं, बस 30% एक्स्ट्रा मेहनत करके क्योंकि सारा सिलेबस एक ही है, ठीक है। तो आप लोग, अभी नया बैच स्टार्ट किया हूँ मैं, बच्चे इनरोल करा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट जिनको मैं रोज कहता हूँ, जो मुझे फॉलो करते हैं उन लोगों का मैसेज भी आ रहा है, वो इनरोल करा रहे हैं। तो जिनको भी अभी आगामी जो भी परीक्षाएँ हैं, जैसे बिहार का पेपर है, यूपी का पेपर है, आपका यूपीएससी का पेपर है, ईपीएफओ, सब कुछ बहुत सारे पेपर है, कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को। तो जिनको इनरोल कराना हो इनरोल करा लें, रजिस्ट्रेशन कराना हो रजिस्ट्रेशन करा लें अभी, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। बिहार में चुनाव है, मैं बार बार बोल चुका हूँ, अभी आपने देखा मेंस का रिजल्ट तुरंत क्लियर किया गया है, इंटरव्यू भी मुझे लग रहा है कि 1.5-2 महीने के अंदर इंटरव्यू भी हो जाएगा। जिनका नहीं हुआ है एकदम मत घबराएं, आपने मेंस लिखा है यानी कि आप प्रीलिम्स के लिए एकदम परिपक्व है, एकदम टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। बिहार का मेंस भी है बहुत लोगों का, जिनको 65 का बिहार का मेंस देना है, अगर उन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन कराना हो तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि तैयारी मत छोड़िए आप लोग। कोविड-19 महामारी तो चल रही है, इसी के साथ जीना है जब तक कुछ सूचनाएं आगे से नहीं आती हैं कैसे क्या हो रहा है, तो तैयारी आप लोग मत छोड़िए, इसी के साथ रहना है, अपनी तैयारी को रोज़ बरकरार रखिए। करंट अफेयर देने का मेरा मेन उद्देश्य है, और जिन लड़कों ने मुझे अभी अपना बताया, रिव्यू बताया अभी तक, जिनका बिहार मेंस क्वालिफाइड जितने भी हुए हैं, उन्होंने कहा कि सर करंट का बहुत बड़ा रोल था आपके बिहार में, क्योंकि मैं पहले ये कमेंट करंट जो है यूट्यूब पे अपलोड होता भी नहीं था, पहले वैसे ही बना के भेज दिया जाता था, दे दिया जाता था। तो आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं आज के पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक है कि भारत भूटान के बीच नया व्यापार मार्ग। अब देखते हैं ये भारत भूटान का क्या सीन है। भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल में जौगोन और भूटान के पास पसाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है। भूमि मार्ग से औद्योगिक कच्चे माल और पसाख औद्योगिक स्टेट के लिए माल ले जाने में मदद मिलेगी। यह मार्ग व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगा और वाहनों के आवागमन को कम करेगा, ठीक है। आपको पता है कि भूटान जो है, थिम्पू भूटान जो है, भारत का निकटतम साझेदार है। अब हम बात करते हैं कि चाइना फैक्टर क्या है। चाइना जैसे देख रहे हैं हर जगह चाइना तक पहुंच ही जा रहा है, अभी देखें ईरान वाले केस में भी चाइना का अभी हाथ था। भारत ने भूटान के येती क्षेत्र में सड़क बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर चीन ने हाल ही में दावा किया था। यह सड़क मार्ग भारत को अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक जल्दी पहुंचने में भी मदद करेगी। यह सड़क गुवाहाटी और तवांग के बीच की दूरी 150 किलोमीटर कम कर देगी, ठीक है। तो जो सड़क बन रही है, यह सड़क मार्ग जो बताया गया कि भारत को अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक जल्दी पहुंचने में मदद करेगी, और यह सड़क गुवाहाटी और तवांग के बीच में, यानी असम गुवाहाटी और तवांग के बीच की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, उसको 150 किलोमीटर कम कर देगी। यहाँ पे नोट करके बताया गया कि तिब्बत पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए चीन जो है तवांग का दावा करता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सकेतिंग वन जीव अभयारण्य क्या है। जून 2020 में चीन ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा परिषद है, सुविधा लिख दिया गया शायद, सकेतंग वन्यजीव अभयारण्य के वित्त पोषण को अवरुद्ध करने का प्रयास किया था। यह अभयारण्य पूर्वी भूटान में स्थित है। चीन के अनुसार यह अभयारण्य विवादित क्षेत्र का हिस्सा था, ऐसा चीन मानता है, ठीक है। उसके मानने और न मानने से क्या फर्क पड़ता है। चलिए अगला हम इसी में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि पड़ोसी पहले नीति और भारत भूटान संबंध। भूटान के साथ सदियों से भारत के मधुर संबंध रहे हैं और भारत का करीबी सहयोगी रहा है, तथा पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफ़ी प्रगति हुई है।
वर्ष 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहली विदेश दौरे के लिए भूटान को ही चुना था। इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि जब प्रथम बार प्रधानमंत्री 2014 में बने थे तो उन्होंने सबसे पहले किस देश का दौरा किया था। ठीक है, तो वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री जी ने पहली बार पदभार संभालने के बाद उन्होंने सबसे पहले विदेश दौरे के लिए भूटान को ही चुना था। वर्ष 2019 में जब प्रधानमंत्री जी ने दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो बिम्स्टेक देश के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। इम्पोर्टेंट है कि इस बार बिम्स्टेक देश के नेताओं को आमंत्रित किया गया था, जिसमें भूटान के प्रधानमंत्री जो थे लोते शेरिंग भी शामिल थे। उनका नाम देख लीजिए वनडे एग्जाम के लिए, लोते शेरिंग जो थे उनको भी शामिल थे। अब हम बात करते हैं कि 1949 की भारत भूटान संधि क्या है। भारत की आज़ादी के बाद 8 अगस्त 1949 को भारत और भूटान के बीच दार्जिलिंग में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इनमें अनेक प्रावधान शामिल थे, जिनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण था रक्षा और विदेश मामलों में भूटान का भारत पर आश्रित होना। ठीक है, यानी कि डिफेंस एंड विदेशी मामलों में भूटान का भारत पर आश्रित होना। काफ़ी लंबे समय तक इस संधि के जारी रहने के बाद भूटान के आग्रह पर 8 फरवरी 2007 को इसमें बदलाव का अद्यतन बनाया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अद्यतन संधि क्या है। अद्यतन संधि में यह उल्लेख है कि भारत और भूटान के बीच अस्थाई शांति और मैत्री होगी। अद्यतन संधि में पारस्परिक दीर्घकालिक लाभ के लिए आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और इसके विस्तार, संस्कृति, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग के नए प्रावधान शामिल किए गए थे। इसमें दोनों देशों के नागरिकों के साथ व्यवहार अथवा हमारी विद्यमान मुक्त व्यापार व्यवस्था में किसी परिवर्तन की परिकल्पना नहीं है। यह माना गया है कि इस अद्यतन संधि से दोनों देश अपने अपने राष्ट्रीय हितों से संबंधित मुद्दों पर एक दूसरों के साथ घनिष्ठ सहयोग करने तथा एक दूसरे के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों के विरुद्ध क्रियाकलापों हेतु अपने क्षेत्रों का उपयोग न कर देने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। ठीक है, तो ये संधि में बताया गया है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आज इसमें क्या क्या आप लोगों को बताया। पहला, भारत और भूटान के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोजा गया है, जिसमें भारत और भूटान ने भूटान में पश्चिम बंगाल में जैगोन और भूटान के पसाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है। ठीक है, भूमार्ग से औद्योगिक कच्चे माल और पसाखा औद्योगिक स्टेट के लिए कच्चे माल जाने में मदद मिलेगी। सारा चीज़ बता चुका हूँ मैं। चाइना फैक्टर क्या है, सकेतंग वन्यजीव अभयारण्य क्या है, इसको पढ़ लीजिएगा, उसे तक पूछ दे। पड़ोसी पहले नीति और भारत और भूटान संबंध क्या है, 1949 की भारत भूटान संधि क्या थी, अद्यतन संधि क्या है, ये पूरा डिटेल आप लोग को बता दिया गया, ध्यान से इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं दूसरा टॉपिक आज का, ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए सहायता अनुदान। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग, ध्यान से पढ़िएगा, 15वां है, कई बार पूछा जाता है, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर 2.63 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों, जिसे रूरल लोकल बॉडीज, को 15,187.50 करोड़ रुपए की किस्त जारी की है। पंचायती राज मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय द्वारा 28 राज्यों में विस्तृत 2.63 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए यह अनुदान राशि जारी की गई है। वित्त आयोग ने वर्ष 2020 और 21 की अवधि के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों के अनुदान का कुल आकार 60,750 करोड़ रुपये तय किया है। अब हम बात करते हैं, नोट लिखा हुआ है कि वित्त आयोग द्वारा किसी एक वर्ष में किया गया सबसे अधिक आवंटन है। आयोग ने 28 राज्यों में, पहले 29 राज्य थे, अब 28 हो गया, ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। जम्मू और कश्मीर जैसे और लद्दाख जो है दो केंद्रशासित प्रदेश हो गए हैं, तो पहले 29 राज्य थे, अब एक घट गए हैं तो 28 राज्य हो गए। राज्यों ने पंचायती राज के सभी स्तरों के लिए 5वें और 6वें अनुसूची क्षेत्रों के पारंपरिक निकायों सहित दो भागों में अनुदान प्राप्त करने की सिफारिश की है। पहला इसमें बेसिक यूनिटेड अनुदान, दूसरा है बद टाइड अनुदान। यह नोट भी बताया गया है कि अनुदान का 50% बेसिक ग्रांट होगा और 50% जो होगा बद अनुदान होगा। ठीक है, तो 50% क्या होगा, बेसिक ग्रांट होगा, और दूसरा 50% क्या होगा, बद अनुदान होगा। अब हम बात करते हैं कि बेसिक अनुदान क्या है, बेसिक ग्रांट क्या है। बेसिक अनुदान अबद्ध है और वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर स्थान विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप RLBs द्वारा उपयोग में लाए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है, एक मिनट
आगे बढ़ के आइए। दूसरा है बद अनुदान, जिसे टाइट ग्रांट्स कहते हैं। ये क्या हो रहा है? बद अनुदान का उपयोग निम्न मूल सेवाओं के लिए किया गया है, जिसमें किया जाना है जिसमें स्वच्छता और ODF स्थिति का अनुरक्षण करना है, पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्वण की आपूर्ति करना है। ग्रामीण स्थानीय निकायों, जहां तक संभव हो सके, इन दो महत्वपूर्ण सेवाओं में से प्रत्येक के लिए इन बद अनुदानों में से एक को चिन्हित करेगा। या नोट करके बता कि यदि किसी RLBs ने एक श्रेणी की आवश्यकताओं को पूरी तरह से संतृप्त कर दिया है तो वह अन्य श्रेणी के लिए धन का उपयोग कर सकता है। वित्त आवंटन, राज्य सरकारें नवीनतम राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन की स्वीकृति सिफारिशों के आधार पर पंचायतों के सभी स्तरों, गांव, ब्लॉक, जिले तथा पांचवी और छठवीं अनुसूची क्षेत्रों के पारंपरिक निकायों को 15वें वित्त आयोग का अनुदान वितरित करेंगी, जो 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, जिसमें ग्राम पंचायतों के लिए 70-85%, ब्लॉक और मध्यवर्ती पंचायतों के लिए 10-25% और एक जिला और जिला पंचायतों के लिए 5-15% होंगी। इसमें दो स्तरीय प्रणाली वाले राज्यों में केवल ग्राम और जिला पंचायतों के मध्य वितरण ग्राम पंचायतों के लिए 70-85% और जिला और जिला पंचायतों के लिए 15-30% किया गया है। इसमें प्रशासनिक सहायता भी किया गया है। इसके लिए RLBs को वेब IT इनबिल्ट प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा, जिनसे योजना निर्माण, निगरानी, लेखा परीक्षण के कार्यों के लिए प्रत्येक स्तर पर धन प्रवाह सुनिश्चित हो सकेंगे। अब इसका महत्व देख लेते हैं। इस फंड को इस समय RLBs को जारी करना निस्संदेह सर्वाधिक उपयुक्त है, विशेषकर तब जब RLBs COVID-19 महामारी की स्थिति से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इनमें से कोई संदेह नहीं है कि इस कोष की उपलब्धता RLBs के ग्रामीण नागरिकों को बुनियादी सेवाओं को प्रदान करने में उनकी प्रभावशीलता को बढ़ावा देंगी और उन्हें प्रवासी मजदूरों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने में सशक्त बनाएंगी, जो COVID-19 के कारण मूल स्थानों पर लौट आएंगे। साथ ही रचनात्मक तरीके से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में भी सहयोगी होंगी। पंचायती राज मंत्रालय सक्रिय रूप से राज्यों को उपयुक्त कार्यों में समर्थन देगा, जिनमें से 15वें वित्त आयोग के अनुदानों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो ध्यान से इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट बेसिक मेन था मैंने आप लोगों को बता दिया, इसको आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। बार बार ऊपर नीचे हो जा रहा है। ठीक है, तो जो मेन है आपको बता दिया गया है, वित्त आवंटन भी बता दिया गया, प्रशासनिक सहायता बता दिया गया है, महत्व क्या है, महत्व इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा आप उसको। तीसरा है दल बदल विरोधी कानून और न्यायिक समीक्षा। देख रहे हैं अभी COVID-19 महामारी चल रही है और दल बदल ऐसे चल रहा है। राजस्थान में देख ही रहे क्या चल रहा है इसमें। राजस्थान में बिगड़ते राजनीतिक संकट के बीच राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बागी विधायकों को दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अयोग्यता नोटिस जारी किया गया है। बागी कांग्रेस नेता सचिन पायलट और अन्य 18 अन्य असंतुष्ट विधायकों ने अयोग्यता नोटिस को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। इन बागी विधायकों का तर्क है कि विधानसभा के बाहर कुछ नेताओं के निर्णय और नीतियों से असहमत होने के आधार पर उन्हें संसदीय दल बल विरोधी कानून के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। या नोट करके बताया गया कि संविधान के 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से दल विरोधी कानून 1985 में पारित किया गया तथा भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। अब हम बात करते हैं कि ये मामला क्या था। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां हुई होंगी। देखते हैं मामला क्या है। उप मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस के कुछ बागी विधायक हाल ही में कांग्रेस विधायक दल कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी CLP की बैठकों में बार बार निमंत्रण देने के बावजूद शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद राज्य के पार्टी के मुख्य सचेतक वीप की अपील पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इन विधायकों को अयोग्यता संबंधी नोटिस जारी किया गया है। अब हम बात करते हैं इनका पक्ष क्या है, ये भी तो अपना पक्ष रखेंगे बागी विधायक जी। बागी विधायकों ने अपने रीट याचिका में नोटिस को रद्द करने की मांग करते हुए तर्क दिया है कि प्रथम उनके द्वारा सदन की सदस्यता का त्याग नहीं किया गया है, अतः दल बल विरोधी कानून का उन पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। दूसरा कहा है कि CLP की बैठकों में शामिल न होने में विफल रहने के आधार पर उन्हें दल बल विरोधी कानून के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यह नोट करके बताया गया कि रीट याचिका राजस्थान विधानसभा सदस्यों की वैधता, पार्टी को बदलने के आधार पर अयोग्यता नियम 1989 और संविधान की 10वीं अनुसूची के क्लास 21A को चुनौती देने के लिए दायर की गई है। इस प्रावधान के अनुसार स्वेच्छा से एक राजनीतिक पार्टी की सदस्यता का त्याग करने पर सदस्य दल बल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा।
अब हम बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष का पक्ष क्या है। भाई अध्यक्ष है तो इनका कुछ ना कुछ स्पीकर का पक्ष होगा, देखते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के भी उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल करते हुए अपील की है कि किसी प्रकार की आदेश जारी करने से पहले पार्टी के पक्ष को भी सुनना चाहिए। न्यायिक समीक्षा और दलबल विरोधी कानून भी देख लेते हैं। दलबल विरोधी कानून के अनुसार दलबल से उत्पन्न अयोग्यता के बारे में किसी भी प्रश्न के मामले का निर्धारण सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा तय किया जाना है। पीठासीन अधिकारी के निर्णय की उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। जब तक कि विधानमंडल के अध्यक्ष या सभापति द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची दलबल विरोधी कानून के तहत सदस्यों को अयोग्यता पर अंतिम निर्णय नहीं ले लिया जाता, तब तक न्यायपालिका अयोग्यता कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है। यह नोट करके भी बताया गया है कि 2015 में हैदराबाद उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करने के बाद मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एक सदस्य के खिलाफ दल बल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई में देरी की गई है। ठीक है, तो ध्यान से इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके आगे भी बता देता हूँ, एक और केस हुआ था कि हो तो होलोहन बनाम जाची हलू और अन्य वाद 1992। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अध्यक्ष या सभापति द्वारा दल बल विरोधी कानून के तहत अंतिम निर्णय लेने से पहले की गई कार्रवाई के बीच में न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती और न ही न्यायपालिका के कार्रवाई के बीच में कोई हस्तक्षेप करना अनुमेय होगा। इसका एकमात्र अपवाद अंतर्वर्ती आयोग या निलंबन के ऐसे मामले हैं जिनके गंभीर तत्काल और अपरिवर्तित नतीजे और परिणाम हो सकते हैं। यहाँ नोट करके भी बताया गया है कि इसी बाद में न्यायपालिका ने निर्णय दिया था कि दल बल विरोधी कानून के तहत विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णयों की त्रुटि की जांच का न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए इसी से रिलेटेड फिर देखते हैं कि न्यायिक समीक्षा का दायरा भी बहुत सीमित है। संसदीय परंपराओं में अध्यक्ष के कार्यकाल को सर्वोच्च सम्मान और मान्यता प्राप्त है, सभी जानते हैं। संसदीय लोकतांत्रिक संस्था की धुरी अध्यक्षीय परंपरा पर आधारित है, उसे औचित्य और निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है। दल बल विरोधी कार्रवाई में अध्यक्ष या सभापति के निर्णय के न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है। न्यायपालिका केवल संवैधानिक जनादेश के उल्लंघन पर आधारित दुर्भावना प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन नहीं करने और दुरागह के मामलों में ही न्यायिक समीक्षा करेगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, भाषण की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच। यही तो अधिकार है अच्छा खासा। बागी विधायकों द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची के क्लास 21A को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की गई है। विधायकों के अनुसार यह प्रावधान असंतोष व्यक्त करने के उनके अधिकार और स्वतंत्र भाषण के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करना है। अब हम बात करते हैं कि भाषण की स्वतंत्रता बनाम राजनीतिक अनुशासन क्या है। कि हो तो होलोहन बनाम जा चिल्हू और अन्य वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि एक राजनीतिक दल साझा विश्वासों के बल पर कार्य करता है। इसकी दलों की राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक उपयोगिता इन्हीं साझा मान्यताओं पर आधारित होती है और आमतौर पर आयोजित सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में इनके सदस्यों को ठोस कार्य करने की आवश्यकता होती है। लेकिन एक ही राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा असमान स्थिति या मनमुटाव की एक सार्वजनिक छवि को राजनीतिक परंपरा में वांछनीय स्थिति के रूप में नहीं देखा जा सकता जाता है। हालांकि जब सरकार के गठन में अनेक राजनीतिक दल शामिल होते हैं तो वहाँ दलों के बीच मनमुटाव को उचित ठहराया जाता जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा केस। इसका एक एक डीप एनालिसिस जो है आपको दे दिया गया है। हर एक दूसरे कड़ी जो है एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो अगर कभी भी परीक्षा में चाहे दल बल विरोधी कानून हो या न्यायिक समीक्षा हो या सरकार का क्या पक्ष है या जो पार्टी बागी पार्टी उसका क्या पक्ष है, स्पीकर का क्या पक्ष है, न्यायिक समीक्षा कैसे की जा सकती है, इसके पहले कौन कौन से केस हो गए, यानी कि इसीलिए मैं करंट अफेयर बार बार कहता हूँ कि आप लोग इस पर फोकस कीजिए आप, क्योंकि पूरी की पूरी जो सीरीज है कड़ी जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है और जब तक आप पूरा डीप जानेंगे तभी कुछ हो पाएगा आप लोग को, वरना आधा अधूरा ज्ञान जो होता है खतरनाक होता है। ठीक है, पीठासीन अधिकारी का पूरा निर्णय आप लोग को दिया गया, न्यायिक समीक्षा भी बता दिया गया, विधानमंडल के अध्यक्ष का क्या पद है, इसके पहले कौन कौन सा वाद हुआ था, दो जो वाद हुए हैं 2015 वाला और जो 1992 का जो बताया, ये भी पूरा बता दिया गया आप लोग, उसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, भाषण की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार और भाषण की स्वतंत्रता बनाओ राजनीतिक अनुसार, ये भी पढ़ लीजिए।
चलिए लास्ट टॉपिक स्टार्ट करता हुआ चौथा, भारत EU समझौता। भारत और यूरोपीय संघ 15वें भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में आगामी 5 वर्षों अर्थात 2020 से 25 के लिए वैज्ञानिक सहयोग पर समझौते को नवीनीकृत करने में सहमत हो गए हैं। भारत और यूरोपीय संघ दोनों ने वर्ष 2001 में हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौते के अनुरूप आपसी लाभ और पारंपरिक सिद्धांतों के आधार पर अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में भविष्य में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। वर्ष 2001 में हुआ यह समझौता 17 मई 2020 को समाप्त हो गया था। दोनों पक्ष समयबद्ध तरीके से नवीनीकृत प्रक्रिया शुरू करने और अनुसंधान और नवाचार में 20 वर्षों के मजबूत सहयोग को अंकित करने के लिए वचनबद्ध है। अब हम देख लेते हैं कि इस समझौते का महत्व क्या है। इसमें जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, एग्रीटेक, जैव स्वायत्ता, एकीकृत साइबर भौतिक प्रणाली, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी और स्वच्छ प्रौद्योगिकी आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार सहयोग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अनुसंधान शोधकर्ताओं के आदान प्रदान, छात्रों, स्टार्टअप और ज्ञान के सह सृजन के लिए संस्थानों के सह निवेश में संस्थागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। अब हम बात करते हैं भारत यूरोपीय संघ और वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी संघ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों देशों के मध्य स्थापित वैज्ञानिक सहयोग की समीक्षा के लिए भारत यूरोपीय संघ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचालन समिति की वार्षिक बैठक आयोजित होती है, जिसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और यूरोपीय आयोग, यूरोपियन कमीशन ने जलवायु परिवर्तन और ध्रुवीय अनुसंधान से संबंधित यूरोपीय रिसर्च एंड इनोवेशन फ्रेमवर्क कार्यक्रम होरिजन 2020 के तहत चयनित संयुक्त अनुसंधान परियोजना का समर्थन करने के लिए सहनिधि तंत्र को फंडिंग मैकेनिज्म की स्थापना की है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी 1977 के दशक से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यूरोपीय संघ के साथ सहयोग कर रहा है। इसरो, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, पृथ्वी का अवलोकन में सहयोग बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें वर्ष 2018 में हस्ताक्षरित कॉपरनिक्स कार्यक्रम भी शामिल है। यहाँ नोट करके बताया गया कि कॉपरनिक्स यूरोपीय संघ का पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है। ठीक है, अब ये देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यूरोपीय संघ क्या है, यूरोपीय यूनियन क्या है। यूरोपीय संघ 27 देशों, जो पहले पूर्व में इस संघ में 28 देश शामिल थे, की एक आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता है। ये 27 देश संधि के द्वारा एक संघ के रूप में जुड़े हुए हैं, जिससे कि व्यापार आसानी से हो सके और लोग एक दूसरे से कोई विवाद न करें, क्योंकि अव्यवस्था का एक सिद्धांत है कि जो देश आपस में जितना ज़्यादा व्यापार करते हैं उनकी लड़ाई होने की संभावना उतनी ही कम जाती है। इसी व्यापार समूह की वजह से आगे चलकर 1993 में यूरोपीय संघ का जन्म हुआ था। वर्ष 2004 में जब यूरो करेंसी लॉन्च की गई थी, तब यह पूरी तरह से राजनीतिक और आर्थिक रूप से एकजुट हुआ। यूरोपीय संघ मास्ट्रिक्ट संधि द्वारा बनाया गया था जो 1 नवंबर 1993 को लागू हुई थी। ठीक है, तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण DNA। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं, भारत भूटान संबंध पढ़ाए गए आप लोगों को, नया व्यापार मार्ग जो है, चाइना फैक्टर क्या है, ठीक है, संकेतिक वन्यजीव अभयारण्य भी है, पड़ोसी पहले नीति और भारत भूटान संबंध है, मोदी जी ने अपनी पहली विदेशी यात्रा क्या की, फिर बाद में कब की, मतलब प्रधानमंत्री बनने के बाद फर्स्ट, ठीक है, 1949 की भारत भूटान संधि क्या है, अद्यतन संधि क्या है, ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए सहायता अनुदान है। ये तो फैक्चुअल डेटा है, इसमें इतना डीप बताने के लिए था नहीं आप लोगों को, डेटा बस देख लीजिएगा आप लोग। वित्त आयोग द्वारा किसी एक वर्ष में किया गया सबसे अधिक अनुदान है, जो भी है पूरा डिटेल आप लोगों को इसका बता दिया गया है। ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा आप, डेटा में अगर देखना हो तो इसको आराम से देख लीजिएगा। इसको दो स्तरीय होते हैं, ये पूरा देख लीजिए। प्रशासनिक सहायता है, महत्व है आपका। तीसरा टॉपिक आपका जो मैंने बताया आप लोगों को, एक ऊपर नीचे हो जा रहा है ये, हाँ तीसरा टॉपिक तो वैसे ही बागियों का टॉपिक था ये, हाँ तीसरा टॉपिक दल बल विरोधी कानून और न्यायिक समीक्षा जो मैंने बताया, इसमें जो भी है क्या मामला था, बागी विधायकों के पक्ष क्या थे, विधानसभा अध्यक्ष का पक्ष क्या था, न्यायिक समीक्षा दल बल विरोधी कानून क्या था आपका, क्योतो होलोन बनाम जाचीलू वाद जो 1992 न्यायिक समीक्षा द्वारा अभी बहुत सीमित है, भाषण की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार बताया गया, भाषण की स्वतंत्रता बनाम राजनीतिक अनुशासन बताया गया, सब देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला है भारत EU समझौता है, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। भारत EU समझौता जो है, ये भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। भारत यूरोपीय संघ और विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग जो है, ये भी देख लीजिए, क्या बार बार ऊपर नीचे हो जा रहा है यार ये। ठीक है, इसको आप लोग भारत यूरोपीय संघ पूरा देख लीजिएगा, यूरोपीय यूनियन भी क्या है उसको देख लीजिएगा।
तो चलिए प्रौद्योगिकी भी बता दिया गया, बार बार ऊपर नीचे कैसे हो जा रहा है ये, ठीक है। यूरोपीय संघ क्या है ये भी आपको बता दिया गया है। तो चलिए आज का उद्देश्य मेरा पूरा हो गया आपका डीएनए का, तैयारी करते रहिए आप लोग, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल मेंस में भी, तो आराम से आप लोग पढ़ाई कीजिए। जिनको रजिस्ट्रेशन कराना हो संस्थान का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं आप। तो चलिए हम फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।